بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم वो जानता है इनके सामने क्या है वमा खल्फहुम और उनके पीछे क्या है वला यशफऊन और वो सिफारिश नहीं करते इल्ला लिमन इर्तज़ा मगर जिसके लिए अल्लाह पाक की रजा हो जिसके लिए अल्लाह चाहता हो। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम شفاعت الملائكة وشفاع النبيون وشفاع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين رواه المسلم फरिश्ते भी सिफारिश कर चुके नबी भी सिफारिश कर चुके और मोमन अल्लाह के वली भी सिफारिश कर चुके वलम यबका इल्ला अरहमुर राहिमीन अल्लाह पाक फरमाएंगे बस मेरी जात जो सबसे ज्यादा रहम करने वाली है वो अभी बाकी है। हर किस्म की हमदो सना अल्लाह पाक दी जाते बाबरकत वास्ते जिस मालिक कायनात ने मालिक कायनात ने जमीन बनाई आसमां बनाया आवाज तिना स्पीकर की घट कर दी थोड़ी थोड़ी दरूद सलाम इमामुल मुरसलीन इमामुल मुवाहिदीन इमामुल मुजाहिदीन मेरे और तुहाडे दिलों की बहार जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी साते पाक ते हजरात अल्लाह पाक दे फजलो करम दे नाल अल्लाह दी तौफीक दे नाल अज तीसरा खुतबा जुमातुल मुबारक जो कि सिफारिश और शफात दे मुतल्लक शफात दे मसाइल कुरान और हदीस की रोशनी अंदर अर्ज कर रहे हैं सुन सुना रहे हैं अल्लाह सुन सुना के सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। हाजरीन और नाजरीन मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी सिफारिश आप दी सिफारिश नबी पाक दी शफात किस कदर मेरे आका अपने उम्मतियां दी शफात करेंगे ये भी सुन चुके हो और फिर कोई खुश नसीब ने जिन्हां नू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शफात नसीब होएगी वो भी सुन चुके हो और मैं जड़ी रवायत शुरू अंदर पढ़ी किताबुल ईमान सही मुस्लिम दी रवायत है
कि अल्लाह पाक फरमान के फरिश्ते सिफारिश कर चुके ने, नबी सिफारिश कर चुके ने, मोमिन सिफारिश कर चुके ने। इहदा मतलब इस हदीसे पाक तो समझ आउंदी है, अल्लाह पाक कयामत वाले दिन अंबिया नू नबी पाक तो बाद दूसरे अंबिया नू भी शफात का हक देंगे, फरिश्ते भी सिफारिश करनगे और अल्लाह पाक दे नेक बंदे मोमन भी सिफारिश करनगे। अल्लाह पाक दे कोलो दुआ करो, अल्लाह पाक सानू सब तो पहलो अपने महबूब की शफात नसीब फरमाए। और जेड़े लोग बगैर हिसाब तो जन्नत अंदर जाएंगे, मौला साडा शुमार भी उन्हां अंदर फरमाए। मैं दुआ करना मौला करीम जितने दोस्त साहबाब खुतबा जुम्मा सुनवास से तशरीफ लाए, बुजुर्ग आए, बच्चे आए, जवान आए, मावा और बहना तशरीफ ले आईया, मौला कोई बीमार आया तो सेहत अता फरमा, कोई दुखी आया दुख दूर फरमा, मौला को कर्जे अंदर दबे आया थे मौला कर्जे दूर करन दी तौफीक अता फरमा, मौला करीम को बे औलाद आया थे अल्लाह अपनी रहमत दे नाल नरीना नेक साले औलाद अता फरमा। हजरात, मैं इंशाअल्लाहुल अजीज अपने वादे दे मुताबिक अर्ज करांगा कि फरिश्ते भी सिफारिश करनगे और नबी भी सिफारिश करनगे, और कौन कौन साडियां सिफारिशां करेगा कियामत वाले दिन, जिहड़े गुनाहगार अल्लाह महफूज फरमाए, अल्लाह महफूज फरमाए, अपनी बदअमालियां दी वजह तो अगर जहन्नम अंदर चले जाएंगे, उन्होंने केड़े केड़े लोग ने जिहड़े उन्हां दी सिफारिश करनगे, मैं इंशाअल्लाहुल अजीज बड़े ही इख्तसार दे नाल बयान करांगा। बल्कि महबूब नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया मेरी उम्मत दे एक शख्स की वजह तो बनो तमीम कबीले दे लोग जितनी तादाद अंदर ने, और बनो तमीम कबीला बहुत बड़ी तादाद अंदर कबीला सी, जिदी कसरत बड़ी ज्यादा, जिदे अफराद बड़े ज्यादा, जिदे वोट बड़े ज्यादा। आपने फरमाया उस कबीले कबीले तमीम दे अफराद दी जितनी तादाद है, मेरे एक उम्मती ओदी सिफारिश दे नाल इन्ने इन्ने लोग अल्लाह पाक जन्नत अंदर दाखिल करनगे। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुहाडे तो इलावा वो लोग बंदे होणगे जिहड़े सिफारिश करनगे? आपने फरमाया हाँ हाँ, मेरे तो इलावा ऐसे लोग ने जिहड़े सिफारिश करनगे, और बनो तमीम कबीले जितने लोग उन्हां दी सिफारिश दे नाल जन्नत अंदर जाणगे। और एक हदीस अंदर सैयदना उस्मान बिन अफान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी तरफ आपने इशारा फरमाया कि हजरत उस्मान दी शफात दे नाल लोग इन्ने जन्नत अंदर जाणगे। यानी इस हदीस अंदरों पता चलिया सहाबा भी शफात करनगे, सहाबी भी सिफारिश करनगे कियामत वाले दिन। इस वास्ते आओ अल्लाह पाक दे महबूब नबी करीम अलैहि सलाम दे यार सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फरूक, सैयदना उस्मान, सैयदना अली और आप दे अहले बैत दे नाल अल्लाह मुहब्बत करन दी तौफीक अता फरमाए, ताकि कियामत वाले दिन अल्लाह सानू इन्हां दी शफात नसीब फरमाए। लेकिन याद रखना, मैं जिहड़ी आयते करीमा सूरा अंबिया दी तुहाडे सामने तिलावत कीती है बा तर्जमा, कि अल्लाह पाक ने फरमाया लोग सिफारिश करनगे इल्ला लिमा निर्तजा, जिदे वास्ते अल्लाह पाक चाहेगा। और सूरा आयतुल कुर्सी अंदर फरमाया मन जल्लजी यशफाउ इंदाहू इल्ला बिइज़्नी ही, अल्लाह दी इजाजत तो बगैर कोई सिफारिश नहीं करेगा। और सूरा अंबिया अंदर फरमाया
जिदे बारे अल्लाह चाहेगा ओदी सिफारिश होएगी, जिदे बारे अल्लाह दी चाहत ना होई ओदी सिफारिश भी कयामत वाले दिन कोई नहीं करेगा। आओ आओ सुनो अल्लाह रब्बुल जलाल दा कुरान और मदीने वाले मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा फरमान इमाम अलंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया ओ लोगो नबी भी शफात करनगे, अंबिया भी सिफारिश करनगे, अल्लाह पाक दे नबी तो इलावा दूसरे नबी भी सिफारिश करनगे, अल्लाह पाक दे फरिश्ते भी सिफारिशां करनगे। हजरात गौर फरमाओ राय खालिके कायनात दा कुरान भी ऐलान कर रहा है, हदीसे पाक अंदरों भी पता चले आए कि अल्लाह पाक दे फरिश्ते भी क़यामत वाले दिन इंसाना की सिफारिश करनगे, अल्लाह पाक दे फरिश्ते भी अल्लाह पाक दे दरबार दे अंदर साडियां सिफारिशां करनगे। और अल्लाह पाक दा कुरान भी ऐलान कर रहा है 30वां सिपारा ते पहली सूरत सूरत नबा दे अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया यौमा यकूमुर रूहु वल मलाइकातु सफ्फन, अल्लाह पाक ने फरमाया लोगो कितने फरिश्ते खड़े होंगे, सफा दियां सफा फरिश्तियां दियां कितारा लगियां ने, फरिश्तियां दियां लैणा लगियां ने, फरिश्तियां दियां लैणा खड़ियां ने, फरिश्तियां दियां सफा खड़ियां ने। अल्लाह पाक दे महबूब ने अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान कर रहा है ला यतकल्लमून, अल्लाह पाक ने फरमाया कोई भी गलबात नहीं करेगा, कोई भी गुफ्तगू नहीं करेगा, यानी कोई भी किसी के बारे सिफारिश नहीं करेगा, कोई भी किसी के हक अंदर नहीं बोलेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया इल्ला मन अज़ीना लहुर रहमान, मगर जिन्हों अल्लाह पाक इजाजत दे देंगे, जिन्हों मेरा अल्लाह इजाजत देवेगा, जिन्हों सोना रब इजाजत देवेगा, वही दुनिया के हक अंदर बोलेगा, वही लोगों दियां सिफारिशां करेगा। अल्लाह पाक दे कुरान दी आयत तो समझ आईए अल्लाह पाक दे फरिश्ते भी क्यामत वाले दिन सिफारिशां करनगे। ना ना वीरा लेकिन मुहब्बत करनी पैगी, फरिश्तियां ते ईमान भी लैके आना पैगा, फरिश्तियां की इज्जत भी करनी पैगी, फरिश्तियां दा एहतराम भी करना पैगा। एवें शुक्ल मसाज अंदर आके और अपने जुगतबाजी दे गंदे अंदाज अंदर आके और इन्हों फिल्मां ते ड्रामिया दे विच बह बह के इन्हों दे कोलो सिख सिख के जनाब नौजवान भी फरिश्तियां दे बारे मजाक, मौत दे फरिश्ते दे बारे मजाक, इस तरह दीगर फरिश्तियां दे बारे मजाक, ना ना आओ इन्हों फरिश्तियां दा मजाक ना करो, बल्कि एहतराम करो, इज्जत करो, तौकीर करो इन्हों फरिश्तियां दी भी। फिर क्यामत वाले दिन ये फरिश्ते भी अल्लाह पाक दे दरबार अंदर साड़ियां सिफारिशां करनगे। हालके कायनात दा कुरान ऐलान कर रहे आए रब्बे जुल जलाल ने फरमाया अल्लाह पाक ने फरमाया या अलमु मा बैना आईदीहिम वमा खल्फहुम, अल्लाह पाक ने फरमाया वला यशफऊना इल्ला लिमन इरतज़ा, सूरह अंबिया दी 28 नंबर आयत है। अल्लाह पाक ने फरमाया जिदे बारे अल्लाह चाहेगा ओदियां कोई सिफारिशां करेगा, जिदे बारे अल्लाह पाक ने ना चाहया जिन्हें अल्लाह दियां ना फरमानियां करके जिंदगी गुजारी है, एदे दिन भी अल्लाह पाक दी ना फरमानी दे अंदर ने, एदियां रातां भी अल्लाह पाक दी ना फरमानी दे अंदर है। ऐसे शख्स दियां अल्लाह पाक दे ने, अल्लाह पाक ऐसे शख्स दे बारे किसी नूं इजाजत ही नहीं देंगे सिफारिश दियां। अगर चाहते अल्लाह पाक भी सर अल्लाह पाक दे दरबार अंदर नबी भी साडियां सिफारिशां करन, फरिश्ते भी साडियां सिफारिशां करन, फिर अल्लाह पाक दी ना फरमानी छोड़नी होएगी, अल्लाह दे दरबार अंदर आना होएगा, अल्लाह पाक नूं मनाना होएगा, अल्लाह पाक दे सामने अपने सिर नूं झुकाना होएगा। हुण मसला समझ आउंदा है, आवाज़ होर घट कर अंदर डेकां दी,
हलो हूँ मसला यह समझ आता है, सोच पैदा होएगी, लो जी जी अल्लाह नू मनाना है, अल्लाह के सामने सजदे ही करने, रब नू राजी करके जाना, तो फिर सिफारिशा केरी बात दियाँ। ओ भाईओ ये साड़ी जिंदगी दे अमाल है, नमाजा ते रोज़े। मेरे महबूब ने भी ये करीम अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया, कयामत वाले दिन जेड़ा भी जन्नत अंदर जाएगा अल्लाह पाक की रहमत दे नाल जाएगा। एक सवाल किया सहाबा ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी भी अल्लाह की रहमत दे नाल जाओगे? आपने फरमाया हाँ हाँ, अल्लाह मैनू अपनी रहमत की चादर अंदर लपेट के अल्लाह मैनू जन्नत अता करनगे। यानी मेरे महबूब भी अल्लाह पाक की रहमत नाल जन्नत अंदर जाएंगे। फिर केड़ा है जिहड़ा अपने रोजियां ते नमाजा और अपने हज और अपने अजकार दे सिर ते जन्नत अंदर चला जाए? अल्लाह की रहमत उम्मीद रखिया करो कि असीं अल्लाह की रहमत दे नाल जन्नत अंदर जाना। अमाल ते अमाल ते भरोसा नहीं, जिन्ना सानू अल्लाह पाक की रहमत ते भरोसा होना चाहिए है। अमाल ते तकबर ते गुरूर ना करके मैं नमाजा पढ़ने वाला, मैं सकाता देना, मैं हज करना, हर साल जाके उमरे करके आना, अल्लाह पाक मैनू अपने अमलों के सिर ते जन्नत देगा। जन्नत मिलेगी ते मिल के बोलो अल्लाह पाक दी रहमत दे नाल जन्नत मिलेगी। आओ सुनो, मैं अल्लाह पाक दे महबूब करीम नबी करीम अलैहि सलाम दी हदीसे पाक पढ़ा। अल्लाह पाक दे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, शहीद बंदा अल्लाह पाक दी राह अंदर शहीद होने वाला है, अल्लाह पाक दी राह दे अंदर अपनी जान कटाने वाला है, अल्लाह पाक दी राह दे अंदर अपना गला कटवाने वाला है, अल्लाह दे रस्ते दे अंदर अपनी जान नू पेश करने वाला बंदा है। जिन्हें अपनी जान भी अल्लाह पाक दी राह अंदर पेश कर दी दी है, खून बहाया अल्लाह पाक दी राह दी खातर, अल्लाह दे दीन दी खातर, इस्लाम दी सरबुलंदी दी खातर अपनी जान नू पेश कर दिता है, इस्लाम दी फतह वास्ते, इस्लाम नू फैलाने वास्ते अपनी जान दी कुर्बानी पेश कर देना है। अल्लाह पाक दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हू पहला एजाज की मिलेगा। अल्लाह पाक दे नबी ने फरमाया, इधरों तीर लगेगा, इधरों गोली का निशाना लगे, इधरों शहादत मिली ने, इधरों आखिरी कतरा खून का गिरिया है, उधरों अल्लाह पाक जन्नत का ऐलान फरमा देंगे, अल्लाह जन्नत का दाखला दे देंगे। दूसरा एजाज की मिलेगा, अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इधरों जान निकलेगी, उधरों अल्लाह पाक जन्नत अंदर अपना महल दिखा देंगे, इधरों जान निकलेगी, उधरों जन्नत अंदर अपना ठिकाना वेख लवेगा, इधरों जान निकलेगी, उधरों जन्नत अंदर अपनी जगह ते अपना घर वेख लवेगा। तीसरा एजाज की होएगा, अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद बंदे नू अल्लाह पाक अपनी जन्नत अल्लाह पाक कबर दे अजाब तो महफूज कर लेंगे, इनू कबर का अजाब नहीं होएगा, अल्लाह कबर दे अजाब दे कोलो बचा लेंगे। चौथे नंबर ते अल्लाह पाक दे नबी ने फरमाया, अल्लाह पाक क्यामत की घबराहट तो महफूज कर लेंगे, क्यामत दियां सख्तियां तो महफूज कर लेंगे, क्यामत वाले दिन परेशान नहीं होएगा, क्यामत दियां परेशानियां तो महफूज रखेंगे। पंजवें नंबर ते अल्लाह पाक दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनू लिबास पहनाया जाएगा, इनू हुल्ला पहनाया जाएगा, इनू जन्नती लिबास ईमान का लिबास पहनाया जाएगा। अल्लाह पाक दे नबी ने फरमाया, एदा हूरां दे नाल निकाह कर दिता जाएगा। छेवें नंबर ते अल्लाह पाक दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वायो शफा फी सब इन इंसान मिल अकारी भी। शहीद बंदे नूं अल्लाह पाक एहसास दे देंगे, ये अपने करीबी रिश्तेदारां दे अंदरों, अपने कुरब वाले अंदरों, अपने करीबियों चों अल्लाह पाक दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब इना इंसान ये 70 इंसानां नूं जन्नत अंदर लैके चला जाएगा, ये 70 इंसानां दियां सिफारिशां करेगा, ये 70 बंदियां दियां सिफारिशां करेगा, जिन्हें अल्लाह पाक दी राह अंदर अपना गला कटाया है। शहादात दे नाल प्यार करिया करो, शहीदां दे नाल मुहब्बत करिया करो, शहादात दे नाल अपनियां मुहब्बतां रखिया करो। शहीद सिर्फ वो ही नहीं जिन्हां किसी जमात दे नाल जाके अल्लाह पाक दी राह अंदर कट के आए, शहीद सिर्फ वो ही नहीं जिहड़ा तंजीम दे नाल जाके अल्लाह पाक दे रस्ते अंदर अपनी जान
निशान पेश करता पे आए। ओ लोगो, इस्लामी हुक्मरान, इस्लामी पाकिस्तान और पाकिस्तान इस्लाम की सरहद समझदा हो, पाकिस्तान इस्लाम का किला समझदा हो, किसी भी मुल्क न इस्लामी किला समझदा हो, इस्लाम की सरबुलंदी की खातर अगर कोई सरकारी फौजी भी अपनी जान पेश कर देता है, इस्लाम की खातर पेश करता है, अल्लाह पाक की रजा की खातर अपन जाना पेश करता है, तनखा की लालच अंदर नहीं, अल्लाह पाक की रजा की खातर अपन जाना पेश कर देता है, अपनी जान नशावर कर देता है। उसके बारे भी यही लफ्ज ने, सब इंसान अपने करीबी रिश्तेदार अंदरों 70 बंदियां नू जन्नत अंदर लेके जाएगा, 70 बंदियां दिया सिफारिशां करेगा, 70 बंदियां दिया सिफारिशां करेगा। हजरातों तवज्जो फरमाओ राय, इसे तरह एक और हदीस पाक पढ़ाए, अल्लाह पाक दे प्यारे नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जेड़े बंदे ने अल्लाह पाक दे कुरान नू हिफ्ज़ कीता है, अल्लाह पाक दे कुरान नू याद कीता है, अल्लाह पाक दे कुरान दिया कुरान दी तलीम नू हासिल कीता है, और फिर कुरान पाक दे अमल भी करदा है, कहां हिफ्ज़ भी कीता है, कुरान पाक नू याद भी कीता है, कुरान दिया सूरतां नू पढ़िया भी है और बा तर्जमा भी पढ़िया है, कुरान दी हलाल चीज़ां नू हलाल भी समझदा है, हराम चीज़ां नू हराम समझदा है, जितों कुरान रुकदा है तो रुक भी जांदा है, जितों कुरान तोरदा ते तुर भी पैंदा है, अल्लाह पाक दे कुरान दियां चालां चलदा है, अल्लाह दे कुरान नू सीने लाया है, अल्लाह दे कुरान ते अमल पैरा हो जांदा है, ये नहीं कुरान पाक हिफज कीता है, जिंदगियां अपनी मर्जी दियां ने, आप कुरान पाक नू हिफज भी कर लिया है और जमर मर्जी अपनी चलती फिरदी है, ये ना मसीह ते आवे ते ना नमाज पढ़दा है, ना जुमे की फिक्र है, ना नमाजे ईशा ते ना नमाजे फजर की फिक्र है, मैं ऐसे हाफज की गल नहीं करदा, जेड़े हाफज ने कुरान भी पढ़िया है और अल्लाह पाक नू याद भी करदा है, कुरान भी पढ़िया है और अल्लाह पाक दियां ना फरमानियां तो भी बचदा है, अल्लाह पाक दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कयामत वाला दिन होएगा एदा बुढ़ा बाप जिन्हें मेहनत मजदूरियां कर करके आप दिहाड़ियां कर करके इनू कुरान पाक दी तलीम सिखाइए, आप दिहाड़ियां कर करके गोवां ते खलो खलो के इनू अल्लाह पाक दे कुरान दा हाफिज बनाया है, आप तुप्पे छावें ने छां नहीं देखी, ना तुप वेखी ना सर्दियां वेखियां ने, ठटर दियां रातां अंदर ये नमाज तो बाद ही खेती अंदर पहुंचे आए, हाथ भी ठरदे ने सर्दी भी बड़ी लगदी है, लेकिन कहंदा जी बाबा जी की मसला है, तुसी आराम नहीं कर सकते, बुढ़ी जाने घर जाके बोना है, कहंदा की करा, अपने पुत्रा नू तलीम दिलाना चाहना है, वड्डे मुंडे को कम करवा लिया करो, कहंदा नहीं ओ ते अल्लाह पाक दे कुरान दा हाफिज बनदा पिया है, मैं नू रोकना नहीं चाहता है, मैं अल्लाह पाक दे कुरान दा हाफिज बनाना चाहना वा, इन्हें आप मेहनत कर लिया ने, आप मजदूरियां कर लिया ने, अपने बच्चे नू कुरान दा हाफिज ते कुरान दा कारी कुरान दा आलम बना के आए, अल्लाह पाक दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते ने क़यामत वाला दिन होएगा, इहदे वालिद नूं ऐसा अल्लाह पाक ताज पहनाणगे जिहदियां रोशनियां आसमान दे सूरज नालों वी ज़्यादा होणगियां, जिहदी रोशनी आसमान दे सूरज की तरह चमकदी होएगी, एक दी वजह तो ए हाफिज़ कुरान दी वजह तो, जिदा बच्चा कुरान कुरान पाक दा हाफिज बन के ते कुरान पाक दा आमिल बन गया, कुरान ते अमल करने वाला बन गया है, अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ए दी वजह तो अल्लाह पाक अम्मे दे बाप नू भी अल्लाह पाक दी वजह तो इहदे बाप नू सोने दा ताज पहना देंगे, हजरातों तवज्जो फरमाओ राय, फरिश्ते भी
सिफारिश करेंगे, शहीद भी सिफारिश करेंगे, अल्लाह पाक दे कुरान दा कारी भी सिफारिश करेगा। हजरत एक होर बड़ी वड्डी गल कर लगा वा, तवज्जो मेरी मेरी तरफ रवे। एवें अहले हदीस के बारे प्रोपेगंडा किया जाता है, एवें मेरी जमात के बारे लोगों के गलत गुमान रखे जाते ने कि जनाब वलियां की तुहीन करने वाले ने, ये वलियां की इज्जत नहीं करते, ये वलियां का एहतराम नहीं करते। अल्लाह पाक की कसमे जबान सड़ जाए जिन्हें किसी वली की तुहीन कर दिए, जबान कट्टी जाए जी अल्लाह पाक दे वली की तुहीन कर दिए, जबान फालज पै जाए जी अल्लाह पाक दे वलिया की तुहीन कर दिए। अल्लाह पाक दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमद वाला दिन होएगा बंदे अल्लाह पाक की जन्नत के अंदर जा रहे ने। सही हदीस पाक पढ़ना चाहना है, बंदे अल्लाह पाक की जन्नत के अंदर जा रहे ने। और कुछ ऐसे भी ने जेड़े बद अमालिया की वजह तो अपनिया सुस्तियां ते गफलतां दी वजह तो जहन्नम दा बालन बन जाएंगे। अल्लाह पाक दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब्बाना कानू यसूमुना माना वायु सन्नुना वायु रुजू। अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान वाले बंदे ईमान दिल अंदर रखने वाले जिन्होंने अल्लाह पाक ने जन्नत ता फरमा दी है, जिन्होंने अल्लाह पाक ने जन्नत का सर्टिफिकेट दे छड़े आए, ये की कहेंगे अल्लाह सोने आए ते बंदे साडे ना नमाजा पढ़ने वाले सन। वायु सलूना वाया सोमूना अल्लाह सोने साडे नाल रोजे रखने वाले सी, ये तो साडे नाल ही इफ्तारियां करने वाले ने, ये रोजे रखने वाले ने, ऐ बाबा ते मेरे नाल हज भी करके आया सी, अल्लाह सोने ऐ बंदा ते मेरे नाल उमरा करके आया सी, अल्लाह जी ये जहन्नम दे अंदर क्यों जा रहे आए, अल्लाह सी सिफारिशां करने आ इन्हां बंदियां नूं जन्नत दा टिकट दे दिता जाए, इन्हां अल्लाह दे बंदियां दियां ईमान वालियां दियां मोमिनीन दियां सिफारिशां कबूल करके, यानी अल्लाह पाक दे नेक बंदे ने वली दा माना भी ते ना अल्लाह पाक दा नेक बंदा होए, ये नेक बंदे इन्हां दियां सिफारिशां करनगे, इन्हां नूं जन्नत अंदर लैके जाणगे, अल्लाह पाक दे सामने इन्हां दियां सिफारिशां करनगे। लेकिन केड़े ने जिहड़े बंदे अल्लाह पाक नूं मन्नण वाले ने, हदीस पाक दे लफ्ज़ां ते गौर करे आ जे, मैं जड़ी हदीस पाक पढ़ रहा वा इस हदीस के लफ्जा ते गौर करो ना, वाया सूमून माना ये ताडे ना रोजे रखने वाले ने, इन्हें हज भी किए ते नमाजा भी पढ़िया ने, हसना तो गौर फरमाओ ना, ये नमाजा पढ़ने वाले ने, हज करने वाले ने, ये रोजे रखने वाले ने, बेनमाज दियां बातां नहीं कर रहा, मैंने बेनमाज दियां गल्लां नहीं कर रहा, मैं नमाजी लोगों दियां गल्लां कर रहा वा, इन्हां नमाज दियां अल्लाह पाक दे वली भी सिफारिशां करनगे, इन्हां नमाजियां दियां अल्लाह पाक दे नबी भी सिफारिशां करनगे, इन्हां नमाजियां दियां अल्लाह पाक दे वली भी अल्लाह पाक दे फरिश्ते ते शहीद भी सिफारिशां करनगे। आओ तो जो फरमाउंदे एक और हदीस पाक सुनो जराए, अल्लाह पाक दे नबी प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सारे को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी प्यारी हदीस दिल ते हाथ रख के सुनने वाली हो, सोचना पैगा सी किस जगह ते जिंदगी बसर कर रहे हैं, ओ हाफ़िज़े कुरान ओ अल्लाह पाक दे रस्ते अंदर शहीद होने वाला बंदा है, जिन्हों असी बड़ा मामूली समझने आए, ओ हाफ़िज़े कुरान है जिन्हें जड़ा अमल है कुरान भी है, कुरान ते अमल भी करने वाला है, असी उन्हां हाफ़िज़ां दियां किन्नियां तोहीना करने आए, हाफ़िज़े कुरान ना किस कदर बदतमीजियां करने आए, मस्जिद उलमा दे नाल मस्जिद इमामां दियां गीबतां ते चुगलियां किन्नियां करने आए। अल्लाह पाक दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ने ए हाफ़िज़े कुरान अल्लाह इन्नी इज्जत अता करेगा, इहदे वालिद नूं अल्लाह सोने दा ताज पहनाएगा, और वह ईमान वाले बंदे जिहड़े नेक बंदे ने, ईमान वाला ते पंज वक्त दा नमाजी है, सोमो सला
सलात का पाबंद होए इनू ही अल्लाह पाक का वली कहा जाता है। और मस्जिद के इमाम नू भी अल्लाह पाक का वली कह सकते हो जेड़ा पांच वक्त का नमाजी भी है अल्लाह पाक के हराम कम्मां तो रुकता भी है हलाल कम्मां ते अमल भी करता है इनू ही अल्लाह पाक का वली कहा जाता है। हज़रात तो एक होर हदीस पाक सुनो जरा अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला नो हदीस पाक दे रावी ने जहन्नमियां दियां सफा भी बनिया हुई ने इधरों जन्नतियां नू अल्लाह पाक भी ऐलान कर दे पे ने जाओ अपनी जन्नत के अंदर चले जाओ अल्लाह सोने सानू जहन्नम तो महफूज कर नहीं अल्लाह कयामत वाले दिन बगैर हिसाब तो सानू जन्नत अता फरमा दई अल्लाह हिसाबो किताब के मामले अंदर ना पाई अल्लाह बड़े गुनाहगार बड़े सियागार अल्लाह सानू हिसाब के मामले अंदर ना पाई अल्लाह बगैर हिसाब ही जन्नत अता फरमाई। हज़रात आओ गौर फरमाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह बंदे जन्नत के अंदर जाते पैने और जहन्नमियां दियां सफा भी बनिया हुई ने जहन्नमियां दी सफ अंदरों एक बंदा बंदे नू आवाज दे के कहेगा अमा तारीफुनी ओ बंदे मैनू पछाने के नहीं पछाने आए मैनू जानदा के नहीं जानदा ये कहेगा मैं ते कोई नहीं पछाने आए मैनू पता नहीं लगा तू कौन है ये कहेगा अनल्लज़ी तू का शुरबत मैं वो बंदा वा तेन एक दिन प्यास लगी सी तू आवाज दी सी मैनू पानी की जरूरत है मैनू पानी दे दो दूसरी हदीसे पाक दे अल्फाज ने तेनू वजू करन की जरूरत सी तू वजू वास्ते पानी मंगया सी तेरे को पानी कोई नहीं सी मैं पानी अता किया सी मैं तेनू वजू करवाया सी या तू तो जन्नत अंदर जा ही रहा है अल्लाह पाक दे सामने साड़ियां भी अपील कर दे अल्लाह पाक दे सामने साड़ियां भी सिफारिशा कर दे हाफ़िज़े कुरान दियां खिदमतां करन वाला आलमे दीन दी इज्जत करन वाला उलमा दे नाल मुहब्बत करन वाला अल्लाह पाक दे वलियां दे नाल प्यार करन वाला शेखुल हदीसां दे नाल प्यार करन वाला मदारस दे असातज़ां दे नाल मुहब्बत करन वाला दीन पढ़ाण वाले नाल प्यार करन वाला सुनो सुनो उन्हां लोगों दियां गल्लां कर रहे हैं वाह जेड़े लोग उलमा दे नाल प्यार करन वाले ने अल्लाह पाक दे वलियां दे नाल प्यार करन वाले ने अल्लाह पाक दे बंदियां नाल प्यार करन वाले ने ये ते जन्नत अंदर जा रहे ने आवाज देवेगा यार तू ते जन्नत अंदर जांदा पिया है जांदियां जांदियां साडियां भी अपीलां कर जाए जांदियां जांदियां साडियां भी सिफारिशां कर जाए अल्लाह पाक सानू भी जन्नत दा टिकट दे दवे अल्लाह पाक दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस अल्लाह पाक दे वली दी इस अल्लाह पाक दे प्यारे बंदे दी गल सुन के इदियां सिफारिशां कबूल करके अल्लाह पाक इस गुनाहगार नूं भी जन्नत दा दाखला अता कर देणगे। ए वली भी कयामत आए दिन सिफारिशां करनगे लेकिन इल्ला लीमा निरतजा जिसके बारे मेरा अल्लाह इजाजत देगा जिदे बारे मेरा रब राजी होगा ओदिया सिफारिशा करनगे और सिफारिशा करनगे जिन्ना जिन्ना नो अल्लाह पाक आप इजाजत दे देंगे कि तुसी सिफारिशा कर लवो। रात आओ टाइम बड़ी जल्दी ना गुजर रहा वा मैं बड़े प्यार दे नाल बड़ी इख्तसार दे नाल दसना जाना है केड़े केड़े लोग सिफारिश का सबब बनेंगे केड़े केड़े लोग कयामत वाले दिन साडियां सिफारिशा करनगे। हसना तो तवज्जो फरमाओ राय वो सख्तियां वाला दिन बच जाओ उस दिन दे कोलो बड़ा सख्तियां वाला दिन जे सिर्फ सिफारिशा ते इन्हां सिफारिशा दे उत्ते भरोसा नहीं करना है क्योंकि मेरे पाक नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नूं फरमाया सी बेटी फातिमा अमल करना ये ना समझी कि मैं मुहम्मद की बेटी आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुहम्मद की बेटी होने की वजह तो जन्नत अंदर चली जावांगी ना ना इन्हां संगतां ने कम नहीं आना है
उते अमला दी जरूरत पैगी, उते अमला तो बगैर कुछ नहीं गल बननी। अमल होणगे ते फिर अल्लाह पाक दी जन्नत मिलेगी, अमाल नहीं ते कोई सिफारिशां भी नहीं करेगा। अमल पल्ले नहीं ते सिफारिशां कम नहीं आनगियां, क्योंकि सिफारिश ओदी होनी है जिदे बारे अल्लाह इजाजत दे देंगे, और जिन्हों अल्लाह इजाजत दे देंगे ओही सिफारिशां करेगा। हजरात आओ सुनो जरा, अल्लाह पाक दे महबूब नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जेड़े बंदे दा बचपन अंदर बच्चा फौत हो गया है, बचपन दे अंदर बच्चा मासूम मासूमियत दे अंदर ही बलूग तो पहले पहले जवान होने तो पहले पहले दुनिया तो चला गया है। अल्लाह पाक दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बच्चे दी पैदाइश ते सबर करदा है, सबर करदा है, अल्लाह पाक नूं नाराज नहीं करदा, अल्लाह पाक दी नाराजगी वाले जुमले भी नहीं पढ़दा, अल्लाह पाक नूं नाराज भी नहीं करदा, एवें अपनी जबान चो जुमले नहीं कहंदा जिहदी वजह तो अल्लाह नाराज हो जाए, ये नहीं कहंदा ये मौतां सारियां साडे घर विच ही लिखियां ने, उहदे चार बच्चे ने, मैनूं जे इक दे दित्ता सो तो भी वापस लै लिया से, इदां शिकवे नहीं करदा, गिले नहीं करदा, बल्कि अपनी जबान चो जुमले की कहंदा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह सोनिया ये भी तेरे को चला गया है, आखिर असी भी तेरे को आ जाना है, असी भी तेरे को आना है, ये सारा कबरां दा माल है अल्लाह सोनिया, ये भी कबर अंदर चला गया ते असी भी आ जाना है। अल्लाह पाक दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कियामत वाला दिन होएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये मासूम बच्चा छोटी उम्र के अंदर जाने वाला है, ये तो अल्लाह पाक दी जन्नत का मेहमान है ही है वे, ये तो जन्नत अंदर खेलता होएगा, ये तो जन्नत के मैदान अंदर दौड़ता होएगा, जन्नत के प्लाटा के अंदर दौड़ता होएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जदों मैदान महशर लगेगा, ये मासूम बच्चा छोटी उम्र अंदर फौत होने वाला है, ये जन्नत के गेट ते आके खड़ा हो जाएगा। और हदीस पाक के अल्फाज सुनो जरा, अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रवायत है, आपने फरमाया, फाया आखोस बिना खियती सोबी फला यु फारिकु अल्लाह पाक दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मासूम बच्चा अपने अब्बू नूं कन कुर्ते दी कन्नी तो पकड़ लवेगा, एंड कुर्ता पकड़ के तो चिंबड़ जाएगा, अपने अब्बू का कपड़ा पकड़ के चिंबड़ जाएगा, और अपने अब्बू नूं खिंच के तो जन्नत में लेके जाएगा। हत्ता युफारिकुहु, उन्नी देर तक अपने अब्बे दा कपड़ा नहीं छड़ेगा जिन्नी देर तक अल्लाह पाक इहनूं जन्नत दा दाखला नहीं दे देंगे। जिवें इत्थे लाड करदे ने ना बच्चे, इत्थे मुहब्बतां करदे ने, दुनिया ते प्यार करदे ने, और मां बाप दा कमीज पकड़ के बड़ी जिद करदे ने, अबू ठीक है ड्यूटी ते जाना तो चले जाओ, पर दसा दा नोट दे के जाना पेगा, मैनू फलां टॉफी लैके दे दो फिर चले जायो, फलां पापड़ लैके दे दो फिर चले जायो। इस तरह मेरे महबूब ने फरमाया, एक कपड़ा पकड़ के चिमड़ जाएगा और कहेगा, रब्बा सोनिया मेरे बाप नू जन्नत अंदर भेज दियो, इहनू भी जन्नत दा दाखला दे दियो, जे बेटा फौत हो गया तो सबर करिया करो, उहदे ते अल्लाह पाक दी रज़ा ते राज़ी रहा करो, वो पता नहीं जात केड़े बहाने ना तुहानू जन्नत अंदर ले जाना चाहती है, ये अल्लाह पाक दे भेत ने, ये अल्लाह पाक दे रास ने, अल्लाह दी रज़ा ते राज़ी रहा करो, अल्लाह दी खुशहाली ते खुश रहा करो। बल्कि एक होर हदीस पाक सुनो जरा, ये हदीस पाक नसाई शरीफ दी है, अल्लाह पाक दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हत्ता
अल्लाह पाक दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए जन्नत दे खेड़ ते खड़ा होके अपने अब्बू दा इंतजार करदा होएगा, जिन्नी देर तक अब्बू नहीं आएगा उन्नी देर तक जन्नत अंदर नहीं जाएगा। तीसरी हदीस पाक भी सुनो जरा, अल्लाह पाक दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक छोटा जिहा बच्चा सहाबी ने के आया, इस बच्चे नाल बड़ा प्यार करदा पिया है, इस बच्चे नाल बड़ियां मुहब्बतां करदा पिया है। अल्लाह पाक दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला गया। चंद दिनों तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा सहाबी कितने में उदे बच्चे दा की हाल है। नबी पाक ने वेखिया बड़िया मुहब्बत करता है, बच्चा भी बड़ा प्यार देता है। नबी पाक पूछते ने दा हाल की है, उदा बच्चा कैसा है, उदे बेटे दा की हाल है। सहाबा दसते ने अल्लाह दे नबी जी उदा बच्चा दुनिया तो तुर गया है, उदा बेटा फौत हो गया है। अल्लाह पाक महबूब नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया है कोई बात नहीं सबर करो, अल्लाह ताती बाबन मिन अबवाबिल जन्ना। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया है कोई गल नहीं तेरा बेटा क़यामत वाले दिन जन्नत के गेट ते खड़ा होएगा, वो तेरा इंतजार करेगा। सहाबा इकराम दे दिल अंदर शौक पैदा होया, सवाल किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आका सोणो एक ये जड़ा मसला है ना ये सिर्फ ये कल्ले वास्ते वे जा साडे सारे वास्ते ही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आका फरमांदे ने नहीं नहीं मेरे सहाबियों ये मसला सारी उम्मत वास्ते वे, जिदा बेटा भी फौत हो जाएगा एक फौत हो जाए, दो बेटे फौत हो जान, तीन बेटे फौत हो जान। एक होर हदीस पाक सुनिया जे अल्लाह पाक दे नबी दे कोल सवाल करदियां ने औरतां आका सुनियो कदी सानू भी मसले दस दया करो। एक दिन नबी पाक ने दिन मुकर्र कर लिया, औरतां नू अलहदा नबी पाक ने दरस दिता है और दरस दे के मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उस दरस दे अंदर आपने फरमाया है जिदे तीन बच्चे दुनिया तो तुर जाणगे ओ कयामत दिन जन्नत दे गेट ते अपनी मां दा इंतजार करनगे। सहाबियात सवाल कर दिया ने आका सोणियो जिदे दो फौत हो गए ने ओदा कोई ओदे कोई दो फौत होए होणगे, ओ बार बार सवाल कर दिए आका सोणियो जिदे दो फौत होए होणगे। आ फरमांदे ने जिदे दो बच्चे फौत हो गए, जिदे दो बच्चे फौत हो गए ओ भी बच्चे क्यामत वाले दिन अल्लाह पाक दी जन्नत दे गेट ते खड़े इंतजार करते हो, अपने मां बाप दियां सिफारिशां करनगे, अपने मां बाप नूं जन्नत अंदर लेके जाणगे। टाइम ते खत्म हो गया है पर आखिरी हदीस अर्ज करना चाहना वा हुण आखिरी फैसला की होएगा। नबियां भी सिफारिश कर ली, शहीदां भी कर ली, हाफजां भी कर ली, बच्चियां भी कर ली है, हुण अल्लाह पाक कहणगे मैं अल्लाह पाक दी जात बाकी है जिहड़ा तुहाडे सारिआं नाल प्यार करन वाला वा, जिहनूं तुहाडे सारिआं दे नाल मुहब्बत आए। अल्लाह पाक दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक दे महबूब नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह पाक जन्नत दे जहन्नम दे अंदर चाती मारनगे और अल्लाह फरमानगे फरिश्ते ओ जाओ जेड़े मेरे बंदे मुसलमान जहन्नम दे अंदर चले गए ने उन्हां नूं जन्नत दे अंदर लेके आओ। और उन्हां दी पहचान की होएगी गल जिहड़ी गौर करन वाली है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया يعرفونهم بأثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आका फरमाते ने ओ फरिश्ते उन्हां दे सजदियां दे निशानां तो पहचान लैणगे,
फरिश्ते सजदियां दे निशानां तो पहचान लैणगे ऐ बंदे अल्लाह पाक दे सामने सजदे करन वाले ने और जेड़े चेहरे ने सजदा कर दिता अल्लाह पाक ने उस चेहरे ते जहन्नम दी अग नूं हराम कर दिता है। सजदे करन वाले चेहरियां ते अल्लाह पाक ने जहन्नम ही हराम कर दिती है। उस उन्हां दा सारा जिस्म कोयला बन जाएगा ऐ चेहरा जिहड़ा सजदा करदा है ये चेहरा महफूज रहेगा और अल्लाह पाक दे फरिश्ते भी इन्हां नूं पकड़ पकड़ के जन्नत अंदर लैके आणगे। फिर अल्लाह पाक फरमाणगे अल्लाह पाक फिर छाती मारनगे अजे बंदे होर भी जहन्नम अंदर मौजूद ने ईमान वाले। अल्लाह पाक अपनी शयाने शान अपनी मुट्ठी भर के जहन्नम अंदरों ते जन्नत अंदर सिट देणगे। और एक हदीस अंदर आंदा नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक तीन मुठियां जहन्नम अंदरों भर के जन्नत के अंदर सुटणगे और फिर इन्हां नूं आबे हयात एक नहर होएगी उस नहर दे विचों इन्हां नूं गोते लवा के इन्हां नूं नवाया धोया जाएगा सजा फबा के फिर इन्हां नूं जन्नत अंदर दाखिल किया जाएगा। अल्लाह पाक दे कोलों दुआ करो अल्लाह पाक सानूं बगैर हिसाब तो बाईपास अल्लाह जन्नत का दाखिला अता फरमाए। अल्लाह पाक जो सुनिया सुनाया उस अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक सानूं सारयां नूं प्यारे नबी मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अल्लाह पाक शफात नसीब फरमाए। माशाल्लाह भाई मोटा तशरीफ लियाए अल्लाह पाक इन्हां दी आमद कबूल मंजूर फरमाए। माशाल्लाह चाचा रफीक अल मरूफ चाचा बांगी माशाल्लाह वह भी तशरीफ लै आया बड़े वक्त के नाल आया अल्लाह दी तशरीफ आवरी कबूल फरमाए। जे गन्ने लैके जाना तो मिल दे सब तो अगे ट्राला इहदा हुंदा है अल्लाह करे यह भी पहली सफ का नमाजी बन जाए। अल्लाह सानू सब नू नमाज पढ़न की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कयामत वाले दिन प्यारे नबी की शफात नसीब फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।